अभी बनाएंगे आलू गोभी और बैंगन की सब्जी। देख लीजिए, तो किचन में लाइट नहीं है, तो नॉर्मल जो ये रोशनदान से आता है, और ये मैंने प्याज और मिर्ची काट लिया है, एक कटोरी ले आते हैं। मेरा घर फैला पड़ा है क्योंकि अभी मुझे ये सब्जी बैठा के मतलब क्लीन करना है। तो वीडियो में बने रहिए आप लोग, जो भी सब्जी बनाएंगे आप लोगों को दिखाएंगे, अब से रेगुलर ब्लॉगिंग करेंगे, तो छोटा छोटा रेसिपी भी दिखा देंगे, सिंपल सिंपल जो घर में बनेगा, कोई खास तो अलग से स्पेशली उसके लिए कोई मतलब तैयारी नहीं होगा। और ये मैंने तेल का ढक्कन पहले से खोल के रख दिया था क्योंकि मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़ी हूँ, दूसरे हाथ से बना रही हूँ। तो तेल मैंने काफ़ी कम लिया है क्योंकि हो जाएगा इतना। और ये कड़ी पत्ता ले लेते हैं, सामान इधर उधर रखा हुआ है पूरा सामान, क्या करेंगे। ये मैंने सरसों डाल दिया, तो तेल शायद गर्म नहीं हुआ है, तो छटकने देते हैं पहले। तो हमारा हो गया है ये, थोड़ा गर्म है, देख लीजिए मेरा रूम कैसे बिखरा पड़ा है। मोनू अपना सारा खिलौना लाके इधर अभी घर बना रहे थे, तो ये सब पूरा फैला दिए हैं, तो अभी क्लीन कर लेती हूँ। उधर सब्जी बैठा दी हूँ, तो इधर भी सब्जी काट रही थी, तो इधर भी गंदा है, तो सभी को क्लीन करने के बाद में मिलती हूँ। मोबाइल थोड़ा चार्ज लगा देती हूँ क्योंकि चार्ज नहीं है। फ्रेंड देख सकते हैं मैंने मेरा रूम पूरा झाड़ू वाड़ू अच्छे से लगा लिया, पूरा नीचे सामान इधर उधर फैला था, सब सही कर लिया है, और पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, और दिन में 2 बार लगाना पड़ता है। और ये देख लीजिए तब तक मेरा सब्जी भी इधर अच्छे से पक चुका है क्योंकि मैंने थोड़ा वो डाला था। तो आप सोच रहे होंगे मैं और मोनू ने इतना सारा सब्जी, तो ये जो बैंगन है वो वेस्ट हो रहा था, तो सारे मसाले हम डाल देते हैं पहले। तो मसाले मैंने डब्बे में नहीं डाल रही हूँ, झिल्ली से ही डाल दे रही हूँ। मैं डाल रही हूँ मिर्ची अपने अनुसार, जितना भी आप खाते हो कम ज़्यादा, है ना। और ये धनिया, तो ये ख़त्म होने वाला है, बड़ा वाला पैकेट एक लेके आई हूँ, इसको ख़त्म ही कर देते हैं। और ये है जीरा, जीरा अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा रहता है। और ये थोड़ा चिकन मसाला डाल देते हैं टेस्ट के लिए बस। और हल्दी मेरे को निकालना पड़ेगा, तो जस्ट फाड़ा है मैंने हल्दी पैकेट, तो थोड़ा डालते हैं, ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि ये वाला थोड़ा अच्छा वाला है, और मैंने इसको लाया था एक पैकेट बड़ा वाला, तो इसको भरेंगे डब्बा में। देख लीजिए खाली हो गया था। तो मसाले तो मैंने मिक्स कर दिए हैं, और ये मैं टमाटर डाल रही हूँ। थोड़ा अंधेरा है, लाइट वाइट लगवाना पड़ेगा, तो मैं मत करना। थोड़ा टमाटर पकने देते हैं, बन के रेडी हो गया हमारा सब्जी। सो फाइनली देख लीजिए मेरा सब्जी का कलर कितना अच्छा लग रहा है, लेकिन अंधेरे की वजह से मेरा सब्जी का कलर नहीं दिख रहा है, क्या कर सकते। तो इसमें मैंने टमाटर डाला था। तो छोटा छोटा रेसिपी बनाएंगे दोस्तों, सब्जी हम लोग इसको नहीं बनाते तो ख़राब हो जाता, फेंकना पड़ता, तो इसको दे देंगे बाजू वालों को भी, वो लोग भी देते हैं जब भी बनाते हैं। तो ऐसी तरीके से रोटी के साथ खाने से बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन मैं रोटी नहीं बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी छोटा वाला गंजी में। अभी चावल धो के बैठा दूंगी एक गिलास इसमें, क्योंकि मैं और मोनू हैं ज़्यादा तो खा नहीं पाएंगे,
तो ये वाला ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट डे, क्योंकि एडिटिंग करने में, अपलोडिंग होने में यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा है, टाइम लगता है। कोई बात नहीं, देख लो बन के रेडी हो गया हमारा मसालेदार सब्जी। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। सो फ्रेंड, मैंने मोनू को खिला दिया है और अभी मोबाइल देख रहे हैं, और अभी मैं खा रही हूँ इसी थाली में एकदम थोड़ा सा। टेस्टी है सब्जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बोल दो, इधर इधर बाय बोलो, उधर से बाय बोल के चिल्ला रहे हैं। ओके हो गए, उसमें डांस कर, हो गए देखो। उसका बाप खौला दूंगा बोल दिया ना, इतना खुश हो रहा है खाने के लिए ला दे। सो फ्रेंड, ये है केला, जो कि मैं अभी अपना स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सोचा इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, देख लीजिए मैश कर लिया है, उसके बाद में मिक्स कर लिया। और मैंने थोड़ा सा इसमें चुटकी भर हल्दी लिया है, नॉर्मल आप घर का हल्दी कसूरी क्या क्या हल्दी रहते ना और भी वो ले सकते हैं, तो दही भी ले सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं लिया। और ये मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ, थोड़ा गर्मी के दिनों के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि दाने वाने आ जाते हैं गर्मी से फेस में, तो काफ़ी अच्छा है। घर में DIY आप लोग ट्राई कीजिएगा, केला और हल्दी और दही का। तो मेरे पास दही है और हल्दी है, केला का मतलब सॉरी दही नहीं है, केला है और हल्दी है, तो मैंने उसी से लगा ली। इसको 10 मिनट लगाने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो ये मैंने पहले शूट किया था, और उसके बाद क्या बोलते हैं मैंने रेसिपी वाला शूट किया था, तो ये उल्टा पुल्टा हो गया है शायद। ये नेक्स्ट डे मैंने शूट किया था, याद नहीं आ रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं। मैंने अपने फेस को अच्छे से थोड़ा मसाज कर लिया है, और देख लीजिए इसको 10 मिनट धोने के बाद में मैं नहाने जाऊंगी 10 मिनट रख के। तो काफ़ी अच्छा फेस जो है सॉफ्ट और थोड़ा टाइट हो जाता है, और हाथ वाथ पे भी मैंने थोड़ा लगा लिया है जो बच्चा है। तो आप लोग क्या क्या करते हैं अभी घर में बताना, मैं तो होम रेमेडी DIY ट्राई करके ही मेरा फेस को थोड़ा ठीक की हूँ, तो उसके बाद रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। सो फ्रेंड, देख लीजिए आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और बस इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और फेसबुक पे जाके मेरे आशा रानी ब्लॉग वाले पेज को फॉलो कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों।